देश बदला अब दिल्ली बदलो, ऐसा कहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा लेके जा रहे हैं यहाँ से आप? देखिए, हम तो बहुत दिनों से ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली की विकास की गति ठप हो गई है, दिल्ली में एनार्की फैल गई है, दिल्ली में अराजक तत्वों को दिल्ली की सरकार सपोर्ट कर रही है, तो इस सबको बदलने की ज़रूरत है। साफ़ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, साफ व्यवहार चाहिए, और ऐसी सरकार चाहिए जिस पे लोगों का विश्वास हो। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम लोग भी मोदी जी के नुमाइंदों की तरह जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए आपको, मेट्रो डेवलपमेंट चाहिए आपको, सड़कें चाहिए आपको, स्कूल नए चाहिए, नए अस्पताल चाहिए, इस सब ट्रांसपोर्टेशन नया चाहिए, नए मेट्रो व्यवस्था चाहिए, तेज़ी से बदलता हुआ शहर चाहिए। तो इस सब के लिए केंद्र सरकार के सहयोग के साथ दिल्ली सरकार मिलकर और एमसीडी के साथ एक 3 इंजन वाली सरकार बहुत तेज़ गति से दिल्ली में विकास करेगी, ऐसा मोदी जी ने कहा। तो आप कहना चाहते हैं पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ या 21 साल में काम नहीं हुआ? नहीं, 5 साल में और बर्बाद हो गया, काम तो हुआ ही नहीं और बर्बाद हो गया। सड़कें खुद ही पड़ी हैं, पानी आता नहीं, जो 24 घंटे पानी आना चाहिए 1 घंटे पानी आता है। अब हमने वादा किया 24 घंटे साफ पानी देंगे, उसके अलावा हवा खराब है, सारा पूरा व्यवस्था खराब है, कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ, तो सिर्फ 4.5 साल काम हुआ नहीं। धरने प्रदर्शन सरकार करती रही, LG के ऑफिस में बैठी रही, अपने चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ लगवाती रही, तो हुआ कहाँ वहाँ, तो और व्यवहार भी खराब हुआ और काम भी नहीं हुआ। हजार मोहल्ला क्लिनिक खुले थे, क्या सही काम हो रहा है? मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खुल गए, आधे मोहल्ला क्लिनिक में रोजाना वीडियो आ रही, किसी में कुत्ते लेट रहे हैं, किसी में अफीमची लेट रहे हैं, जो हैं भी उनमें पोर्टा केबिन में खुले 4 दवाइयाँ मिलती हैं और कोई इमरजेंसी इलाज नहीं होता। ये क्या है, ये तो ऐसे ही है, ऊपर का दिखावा है, लीपापोती है। तो मोहल्ला क्लिनिक में कोई इलाज नहीं होता? मोहल्ला के 4 दवाइयाँ मिलती हैं, लीपापोती है, सिर्फ बुखार उखार के 3-4 दवाइयाँ, लेकिन उसकी जड़ तक पहुँचने की कोई नहीं है। कोई इमरजेंसी हो जाए, पेट दर्द हो जाए, इंजेक्शन नहीं लग सकता, ECG नहीं हो सकता, अगर हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा, कंपाउंडर बैठे। पैसे से डॉक्टर भी 4 दवाई के नाम ही बता दें, जो जो दवाई क्रोसिन है, खांसी का सीरप है, बी कॉम्प्लेक्स सीरप है, यही सब है और क्या है। अच्छा, तो और इसके अलावा जल वल आपके क्षेत्र में किशन नगर विधानसभा से आप है? नहीं, 1-2 घंटे सीवर और पानी की पाइपलाइंस जुड़ी हुई हैं आपस में, गंदा पानी आता है, सबको अलग अलग करने की जरूरत है, नए पाइपलाइन डालने की जरूरत है। हम तो पूछते हैं करीब 100 करोड़ रुपए मिलते हैं 5 साल में एक विधायक, 100 करोड़ का हिसाब दे दीजिए हमें बस, आप 5 साल में कहाँ कहाँ लगे ये हिसाब दे दें हमें बस। आप कह रहे हैं 8 तारीख के बाद पूछ रही है, मैं तो कैंडिडेट हूँ, जनता भी यही पूछ रही है। आप कह रहे शाहीनबाग खत्म हो जाएगा 8 तारीख में? पक्का शाहीनबाग नहीं, हमारे यहाँ खुरेजी है, कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में खुरेजी, 8 तारीख के बाद देखिएगा सब खत्म हो जाएगा। आपको लगता है हिंदू मुस्लिम चुनाव होने वाला है इस बार? ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ राष्ट्रीयता वर्सेस अराजकता है, राष्ट्र प्रेम वर्सेस जो अराजकता है वो है। जो लोग ये कर रहे हैं, लोगों की दिक्कतों का है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये देश के दुश्मन है, ये देश का प्रश्न है, या हिंदू मुस्लिम नहीं है, अच्छे मुस्लिम भी हैं। बिजली में तो बोला 200 यूनिट फ्री करेंगे, 201 यूनिट में सारे चार्ज ले लेते हैं, फिक्स चार्ज के नाम पे, कमर्शियल चार्ज के नाम पे डबल ले लिया, क्या किया हजार, और दिल्ली विद्युत बोर्ड घाटे में किया क्या आप कह रहे, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, कोई नए स्कूल नहीं बने, नए अस्पताल नहीं बने, तो आपने किया क्या बताओ तो सही, हमको सारी जनता देख रही है। 70 वादे किए थे, केंद्र ने लोकपाल लागू कर दिया, दिल्ली में लोकपाल ढूंढ रहा है, लोकपाल पर अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ था कि दिल्ली में लोकपाल लाएंगे, शीला दीक्षित सरकार बेईमान है, ना तो शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ कोई चार्जशीट आई, बल्कि कांग्रेस के साथ सरकार और बना ली उन्होंने 2014, जहाँ झुकी वहीं मकान, 20,000 घर बन चुके हैं जो केंद्र सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने ही दिल्ली को सौगात दी, अनऑथराइज रेगुलराइज किया, 40 लाख लोगों को उससे फ़ायदा होने वाला है। दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने पेरिफेरल एक्सप्रेस वे दिया, दिल्ली की हवा आज 60,000 ट्रक बाहर निकल जाता है, सुरंगें बन रही हैं दिल्ली के अंदर, ये सब हो रहा है। आपकी रैली में, जनसभाओं में हजारों लोग देख रहा हूँ मैं काफ़ी, क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को? वो उनको मेरे से उत्साह है, मेरे पे विश्वास है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उन रैली में। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।